नमस्कार, मैं हितेश गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका एजुकेशन इंडिया में। बात करने वाले हैं अभी जो उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं उनके बारे में। आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको फ्री में गैस सिलेंडर मिलने वाले। दरअसल आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है या फिर जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, उसके अंदर एक ऐलान यह भी था कि जो 8.5 करोड़ महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का कनेक्शन पा चुकी है, उनको इस योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा आगे आने वाले पूरे 3 महीनों के लिए। यहाँ पर बात यह रह जाती है कि कौन सी महिलाएं होंगी जिन्हें 3 महीने तक फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, और क्या वाकई में फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा या फिर सरकार का एक धोखा है। तो वीडियो को देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर आप आगे भी ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबाने के बाद उस घंटी वाले आइकन को जरूर से दबाइएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके और हर एक घोषणा की और हर एक योजना की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने भाइयों बहनों तक शेयर कर दीजिएगा और अपना स्टेटस कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपको रुपए मिल चुके हैं या फिर नहीं मिल चुके हैं। और कोई भी समस्या अगर आपको इस योजना के तहत या किसी भी अन्य योजना के तहत है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें जब ये योजना चली थी तब कई महिलाओं ने इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाया था, फ्री में गैस कनेक्शन हुआ था उस समय, और लोगों को पता था इस योजना में कुछ ना कुछ फायदा होगा क्योंकि ये बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए थी। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो देश के अंदर आपदा आई है उसको देखते हुए गरीब कल्याण योजना के तहत उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से जुड़ी महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर 3 महीने तक देने का वादा किया है। इस योजना के तहत आप सभी को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें गैस सिलेंडर मुफ्त में ना देकर आपको पहले रुपए दिए जाएंगे, उसके बाद उन रुपयों का यूज करके आप फ्री में गैस सिलेंडर ले पाएंगे, यानी कुल मिलाकर बात आपके लिए फ्री गैस सिलेंडर होने वाला है। दरअसल आपको बता दें पहले सरकार जो आपका खाता अभी आपने रजिस्टर करवा के रखा है उसके अंदर रुपए डालेगी। जब आप को लगे कि आपको गैस चाहिए, सिलेंडर चाहिए, तो उस वक्त आप बुक करवा सकते हैं। बुक करवाने के लिए आपको फोन नंबर का यूज करना होगा, जिस रजिस्टर्ड नंबर से है उसी रजिस्टर्ड नंबर से आपको यूज करना होगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बुक होगी तभी आपको सेकंड बार दूसरा गैस सिलेंडर लेने के लिए रुपए मिलेंगे। अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं अपने नंबर को, मोबाइल नंबर खाते से कनेक्ट नहीं होता है, मोबाइल नंबर अगर आपका गैस एजेंसी से कनेक्टेड नहीं होता है, गैस कनेक्शन से कनेक्टेड नहीं होता है, तो आप एक किस्त पाकर खुश हो जाइएगा, दूसरे रुपये आपको नहीं मिलने वाले। यानी कि जब आप पहली किस्त का उपयोग करेंगे, पहली बार जब आप को रुपए मिलेंगे, उनसे जब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ अपना गैस उठाएंगे तभी दूसरी बार गैस सिलेंडर के रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने ऐसा खुद अपनी एडवाइजरी में कहा है। तो आसान भाषा में आपको समझा दें, गैस सिलेंडर के आएंगे रुपए उन्हीं मोबाइल नंबर से आपको बुक करवानी है जिस मोबाइल नंबर को आपने खाते के साथ और गैस कनेक्शन के साथ उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा के रखा है। जब आप उससे बुक करवाएंगे तो आपको आगे जो अगला महीना आ रहा है उसके एडवांस में रुपए दिए जाएंगे, फिर वापस आप करवाएंगे तभी आपको अगले महीने के रुपए मिलेंगे। अगर आप ये करते हैं तो आपको जरूर ही ये 3 महीनों के रुपए मिलेंगे, अन्यथा रुपए नहीं मिलेंगे। अभी मान लीजिए आपके जो मोबाइल नंबर है वो कनेक्ट नहीं करा के रखे हैं, तो आपको अपने मोबाइल नंबर कनेक्ट करवा देने हैं। कनेक्ट करवाने के लिए आपको गैस एजेंसी जाना पड़ेगा, गैस एजेंसी जाकर आप कनेक्ट करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को गैस कनेक्शन के साथ, तभी इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। ये मोटा मोटी एक जानकारी थी जो आपको देना जरूरी थी। आइए अगली जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगली जानकारी, आपको कितने गैस सिलेंडर मिलेंगे। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत 14.2 किलोग्राम वाला जो गैस सिलेंडर है जो हर महीने आप लेते हैं वो गैस सिलेंडर 1 महीने के अंदर एक दिया जाएगा। यहाँ पर हो गई 14.2
किलोग्राम वाले गैस की बात। अब यहाँ पर कुछ कुछ परिवार ऐसे हैं जो 5 किलो वाला गैस कनेक्शन भी ले रखे हैं। तो आपको बता दें, इन 3 महीनों के अंदर उन्हें 8 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे 5 किलो वाले, यानी प्रत्येक महीने में करीबन 30 गैस सिलेंडर। लेकिन 3 महीनों में सिर्फ 8 गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, 9 नहीं मिलने वाले जो 5 किलोग्राम के लेते हैं, यानी कि टोटल 14.2 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर आप ले रहे हैं तो एक गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर 5 किलो वाला ले रहे हैं तो आपको 3 महीनों के अंदर 8 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से थी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जल्द से करिएगा लाइक। अगर आपको लगा होगा ऐसी जानकारी आपको आगे भी पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके, क्योंकि आपको सही जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी सरल भाषा में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।